हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री के एलेवन क्वेश्चन के जिसमें दे रखा है इन फिगर सिक्स पॉइंट फोर जीरो ई इज अ पॉइंट ई एक पॉइंट है ऑन साइड सी वी सी वी साइड पर प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी प्रूव दैट वी हैव टू तो प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू तो ट्राइंगल ई सी एफ हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के राइट तो देखिए इसमें दे रखा है ए इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी यानी कि जो ई पॉइंट दे रखा है सी बी साइड पर दे रखा है जो प्रोड्यूस है ना आइसोसेल्स तो ट्राइंगल पर आइसोल ट्रैंगल कौन सा होता है जिसकी टू साइड्स होती है वो इक्वल होती है ठीक तो है तो ए बी इजिकल टू जो ए सी है वो इक्वल दे रखा है ठीक है तो देखिए हमने टू ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट किए फ्रॉम आर साइड अपनी साइड से तो देखिए क्या हो जाएगा हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी कंसेप्ट कंस्ट्रक्ट किया जिसमें दे रखा है कि हमारा जो डी पॉइंट भी ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर तो देखिए ए डी जो परपेंडिकुलर थी हमारी बी सी पर ठीक है AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए तो देखिए EF एफ इज परपेंडिकुलर टू हमारा कितना हो जाएगा AC सी right? राइट तो देखेंगे इसको हम फर्स्ट ऑप्शन थ्री ऑप्शन सर गिवन है यहाँ पर थ्री ऑप्शन दिए जिसमें हमें प्रूव करना है हर ऑप्शन में एंड फर्स्ट ऑप्शन इज दैट फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है CD डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी ये हमें प्रूव करना है ठीक है तो देखेंगे पहले इसमें गिवन क्या है ठीक है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग ईर वाट इज गिवन ओके तो देखिए सी एंड यानी कि जो सी है एंड जी ठीक है एन जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ क्या है इसके बाइसेक्टर हैं देखिए सी डी किसका बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल ए सी बी का ए सी बी का यानी कि जो सी डी है वो बाइसेक्टर है एंगल सी का राइट तो किसका हो जाएगा एंगल ए सी बी एंड जी एच जो बाइसेक्टर है वो हो जाएगा एफ जी ई का कितना हो जाएगा एफ जी ई का राइट right? अब देखेंगे इसका हमें ट्रू प्रूफ क्या करना है सी डी अपॉन जी इज इक्वल टू ए अपॉन एफ तो देखेंगे इसको प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ए हमने लिया इन ट्राइंगल ए में एंड एफ में ठीक है देखिए अब इसमें टू ट्राइंगल्स जो हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में लिया तो देखेंगे इसमें क्या दे रखा है दो ट्राइंगल जो बोले हैं उसके बाद हमारा इसमें देखिए कौन कौन से अगर हमारे टू ट्राइंगल्स में बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है ठीक है तो देखेंगे एंगल ए और हमारा जो कि इतना हो जाएगा एंगल एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करें उसको ठीक है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा वो सेकेंड कंसिडर किया देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी ठीक है थर्ड हो गया ऐसा क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरेस्पांडिंग एंगल्स आर इक्वल ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम करके आ रहे हैं लाइक दैट ठीक है तो हमारे कितने हो जाएंगे कॉरस्पांडिंग एंगल्स आर इक्वल अब देखिए क्या हो जाएगा बाय एस एस ठीक है बाय ए ए ए ट्रिपल ए से हमारा कितना हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे राइट देखिए बाय ए ए ए रूल के अकॉर्डिंग हमारा कितना हो जाएगा सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी राइट अब देखिए नेक्स्ट ये नेक्स करना है क्योंकि हमें प्रूव करना है साइड्स यानी कि जो साइड्स है वो हमारे सी डी एन जी एच इज़ इक्वल टू तो ए सी अपॉन ऐप जी हमें इसको प्रूव करना है ठीक है तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा देखिए एक बात देखिएगा इसमें क्या दे रखा है सी डी इज इकल टू ए सी डी किस ट्राइंगल में दे रखी है सी डी दे रखी है हमारे इस ट्राइंगल में एंड ए सी दे रखा है इस ट्राइंगल में ठीक है यानी कि इस वाले ट्राइंगल में जो ये दोनों साइड्स हैं ये हमारे कंसिस्ट कर देंगे ठीक है सी डी किसान कर रही है यानी कि इसमें ठीक है और ए सी हमारी हो रही है इसमें तो यानी कि इस ट्राइंग में ए सी डी ट्राइंगल में जो है ये दोनों साइड्स हमारी कंसिस्ट कंसेस्ट करेंगे राइट नेक्स्ट अब हमारा कितना हो जाएगा अपॉन में जो डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है जी एच इजल टू एफ जी ठीक है तो देखेंगे जी एच कहाँ दे रखा है जी एच ये जी एच हो जाएगा और देन हमारा एफ जी एफ जी कहाँ पर है ये वाला ठीक है एफ जी हमारा कहां है इस वाले में यानी कि ये वाली साइड एंड जी एच इस वाले ट्राइंगल में तो नाउ वी विल टेक टू ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल ले लेंगे ए सी डी एंड एफ जी एच ठीक है दोनों ट्राएंगल बात करें क्योंकि जो साइड्स दे रखी हैं दोनों साइड्स को जो हमें प्रूव करना है वो इन्हीं ट्राइंगल की साइड्स हैं ठीक है तो देखेंगे दोनों ट्राएंगल में ले लेंगे अब हम ठीक है हमने दोनों ट्राइंगल में बात करेंगे इन ट्राएंगल ए सी डी एंड इन इन ट्राइंगल एफ जी एच ठीक है तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा क्यों फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट प्रीवियस देखेंगे प्रीवियस वाले जो हमने भी सॉल्व किया था तो कितना हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा एंड देन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा इसका रीजन क्या है क्योंकि हमारे जो एंगल है सी एंड एंगल सी एंड एंगल जी जो थे आर इक्वल अगर ये इक्वल होंगे तो इसके जो हाफ एंगल होंगे यानी कि सी अपॉन टू विल बी ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ जी अपॉन टू ठीक है इसीलिए जो तो हमारा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा अब देखेंगे क्या हो जाएगा वाई ए रूल के अकॉर्डिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल हमारा हो जाएगा एफ जी एच अगर ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए तो देखिए हमने पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था अगर हमारे टू ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल वो भी हमारा क्या होगा इक्वल ही होगा ठीक है ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं पहले मैंने आपको थ्योरम या बीपी जो थ्योरम थी है ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन किया था ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा बाय ए के अकॉर्डिंग हमने सिमिलर प्रूव कर दिया कि वो ट्राइंगल्स सिमिलर अगर दी टू ट्राइंगल्स सिमिलर देन द प्रोपोर्शन ऑफ द दिये साइड्स विल ऑल्सो भी इक्वल ठीक है तो अकॉर्डिंग दैट रूल क्या हो जाएगा सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू कितना सी अपॉन एफ जी क्या हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल की विल बी आल्सो इक्वल ठीक है तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर प्रूव कर दिया और हेंस प्रूफ हो गया ठीक है तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेकंड ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में क्या दे रखा है ठीक है देखिए सेकंड ऑप्शन में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी सिमिलर जो ट्राइंगल एच जी ठीक है दोनों ट्राइंगल्स को हमें जो सिमिलर प्रूव करना है तो देखेंगे कैसे करेंगे इसमें देखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई e. कौन से इक्वेशन में हमने एंगल बी इज इकल टू ई प्रूफ किया था कौन से फ्रॉम सेकंड ठीक है तो वी आर टेकिंग फ्रॉम सेकंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमने शो किया था कि जो एंगल बी है बिल इक्वल टू ए एंगल ए ठीक है देन एंगल टू इज इक्ल टू एंगल फोर ऐसा क्यों है क्योंकि हमारा जो एंगल थे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी था अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इसके जो हाफ होंगे ठीक है और इसका जो हाफ होगा हाफ ऑफ सी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ जी ठीक है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा इन दोनों को प्रूव कर लिया तो कितना हो जाएगा बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग जो हमारे ट्राइंगल्स होंगे डीसी वी यानी कि ट्राइंगल डीसी बी विल बी ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई ये हमें प्रूव करना था और हमारा ये हैं प्रूफ हो गया ठीक है तो आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे देखिए थर्ड ऑप्शन में दे रखा है इसमें हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी ईज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ ठीक है इसमें देखने के लिए क्या हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हमने प्रूव किया था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ठीक है फिर से ले लेंगे ये जो एंगल ए होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा राइट देन हमारा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री होगा सेम जो हमने इसमें किया था अगर हमारे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी होगा तो हमारा उसका हाफ जो होगा वो भी इक्वल होगा एक बार फिगर में देखेंगे तो एंगल टू एंड एंगल थ्री एंड वन समझ में आ जाएगा ठीक है तो बाय ए के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बाय ए रूल चाहे डी सी ए इस सिमिलर जो ट्राइंगल एच जी एफ ठीक है तो ये भी हमारा तीनों जो ऑप्शन है वो प्रूव हो गया और इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था अगर ये फैनिक क्वेरीज दिए यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी ठीक है